विद नो आर्गूमेंट्स। तो उससे पहले जो हमने ग्रुप बना रखा है इसको काइंडली आप ज्वाइन करें, और क्योंकि सारे वीडियोस आपको यहीं से मिल सकते हैं इजीली, और इस ग्रुप को आगे भी प्रमोट करें। तो स्टार्ट करते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो पे बैठा हूँ और एक जनरल सिंटेक्स मैंने सी लैंग्वेज का लिखा हुआ है। यहाँ पर हम एक सिनेरियो लेते हैं। मैं कोई भी मतलब कि एक मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ यूजिंग वाइड फंक्शन विद नो आर्गूमेंट्स। ये हमेशा याद रखिएगा कि वाइड फंक्शन विद नो आर्गूमेंट्स हम क्या पढ़ रहे हैं, वाइड फंक्शन विद नो ARGU विद नो आर्गूमेंट्स। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि कोई फंक्शन बनाता हूँ। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे पहले उसकी डेटा टाइप, फिर उसका नेम, फंक्शन का नाम, मैसेज अंडरस्कोर क्या रख दें, यहाँ पर मैं रख देता हूँ सेट ऑफ, नाम ही है ना, यूजर डिफाइन है, कोई भी नाम रख सकते हैं आप। वाइड फंक्शन डिक्लेयर कर दिया मैंने, डेटा टाइप, फंक्शन नेम और उसके आगे आर्गूमेंट्स। नो आर्गूमेंट्स हम पढ़ रहे हैं वाइड फंक्शन विद नो आर्गूमेंट्स, तो वाइड मीन नथिंग, तो यहाँ पर आप नथिंग भी लिख सकते हैं। निशन हो गई, सेमी कॉलन हटा दिया मैंने, सिंपल। फंक्शन बॉडी के अंदर मुझे क्या लिखना होगा, कोई भी मैं मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ या यहाँ पर कोई मैं फार्मूला लगाना चाहता हूँ, जस्ट सिंपल दिस इज इधर मुस्तफ़ा, जस्ट सिंपल। एक मैंने स्टेटमेंट में यहाँ प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। उसके बाद फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने का वही तरीका है, जस्ट फंक्शन का नाम लिखें और आगे सेमी कॉलन लगा दें। बिल्कुल सिंपल है, फंक्शन को डिक्लेयर करें। एक में से बात याद रखिए, जो जब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो वो मेन फंक्शन से पहले करते हैं। फंक्शन को जब डिक्लेयर करते हैं तो मेन फंक्शन से पहले, फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो मेन फंक्शन के बाद। ये हमारा मेन फंक्शन है, ये वाइड मेन वाला, ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन से पहले डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन के बाद डेफिनेशन, और जो कॉल होती है वो मेन फंक्शन के इनसाइड अंदर होती है। फंक्शन को हम मेन फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जो यूजुअली मतलब के बुक्स में लिखा हुआ है, बल्कि मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ वो हमेशा बाहर ही ले रहा है, ऊपर ही ले रहा है। तो जस्ट सिंपल है, प्रोग्राम हमारा हो गया, इसको मैं रन कराता हूँ। तो देखिए मुझे कंसोल विंडो के ऊपर एक आउटपुट नज़र आएगी अभी, दिस इज हियर। मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये बैकस्लैश एन लगाता हूँ मैं, इसको मैं दो तीन दफ़ा कॉल करता हूँ। जब मैं दो तीन दफ़ा कॉल करूँगा तो होगा क्या, चलिए मैं इसको कॉपी करके ये कर देता हूँ पेस्ट, एंटर प्रेस करता हूँ, F5 की प्रेस की मैंने, और यहाँ पर देखिए मैंने जितनी दफ़ा कॉल किया उतनी दफ़ा मुझे आउटपुट नज़र आई। हो क्या रहा है कि फंक्शन डिक्लेयर किया और यहाँ पर डिफाइन किया। अब जो ही मेरा मतलब के कंसोल जो मेरा कंपाइलर है वो इस लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर जाएगा कि मैसेज अंडरस्कोर सदफ, ये फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर जाएगा। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, जस्ट एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, तो वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा हमारी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल सिंपल है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल। इसमें हो ये रहा है कि मैं इनके क्या अभी इसको 10 15 या 100 दफ़ा प्रिंट कराना चाहूँ, मुझे ये नहीं होगा कि मुझे 100 दफ़ा प्रिंट प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। मैंने जस्ट उसको जितनी दफ़ा कॉल करूँगा उतनी दफ़ा मुझे आउटपुट आएगी, नज़र आएगी। चलिए ये तो हमने पढ़ा है कि वाइड फंक्शन विद नो आर्गूमेंट्स, अभी हम पढ़ते हैं वाइड फंक्शन विद आर्गूमेंट्स। मैं कोई इसके अंदर आर्गूमेंट्स पास कराना चाहता हूँ, इस कोड को मैं ज़रा बंद कर देता हूँ, ज़रा थोड़ी देर के लिए। कोई फंक्शन बनाते हैं हम, वाइड फंक्शन बनाते हैं, एड अंडरस्कोर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फातिमा। फातिमा बना रही है ये प्रोग्राम, और इसमें मैं कुछ आर्गुमेंट्स पास कराता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, नहीं, इसमें ये फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं। जब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ओके, और मेन फंक्शन के बाद क्या होता है, डेफिनेशन होती है, मैंने डिफाइन कर दिया, सेमी कॉलन हटाने से उसकी डेफिनेशन बन जाती है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि
दो नंबर को क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। प्रिंट एफ लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं एडिशन, परसेंट डी स्पेसिफायर किस लिए यूज़ होता है आपको पता होगा, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू को आउटपुट के ऊपर शो कराने, कंसोल विंडो के ऊपर शो कराने के लिए परसेंट डी लगेंगे। अगर ये डी नहीं लगाएंगे तो वैल्यू शो नहीं होगी। अब यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर हम इसको कॉल करते हैं, और इसके अंदर हम एक्चुअल आर्गुमेंट्स पास कराते हैं, 10, 30। सिंपल तरीका है कि फंक्शन को जब कॉल करते हैं उस फंक्शन का नाम लिखें, उसके अंदर आर्गुमेंट्स पास कराएं और सेमी कॉलन। इसको मैं रन करता हूँ, तो देखिए मेरे पास आंसर आ रहा है 40। हो क्या रहा है कि ये फंक्शन है एड अंडरस्कोर फातिमा, और इसके अंदर मैंने दो आर्गूमेंट पास कराए हैं। ये आर्गूमेंट्स ठीक है ना, जब इनको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ पर इनकी जस्ट डेटा टाइप लिखना ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर आप नहीं भी दिखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई कहानी नहीं आने वाली, प्रोग्राम हमारा रन हो जाए। बेसिकली डेटा टाइप इसमें कॉपी हो जाती है जब यहाँ पर आएगी, इन्हीं आर्गूमेंट्स के ऊपर पास कराएंगे। लेकिन ये है कि जब हम फंक्शन डेफिनेशन करेंगे तो यहाँ पर आर्गूमेंट्स, डेटा टाइप के जो हैं आर्गुमेंट्स की वेरिएबल्स हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, और उन्हीं के ऊपर हम कोई फंक्शन परफॉर्म कर देंगे। जब यहाँ पर कंपाइलर हमारा मेन फंक्शन के अंदर आता है तो उसे एक फंक्शन मिलता है एड अंडरस्कोर फातिमा 10, 30। उसकी डेफिनेशन भी हुई पड़ी है, सेंटेक्स ठीक है उसका, तो ये वैल्यू जाकर एड अंडरस्कोर फातिमा में जाएगा। 10 स्टोर होगा एक्स में, 30 स्टोर होगा वाई में, और इसके अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, फिर उसको शो करा देगा वो। प्रिंट एफ हो रहा है तो उसे शो कराएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरह भी लिख सकता हूँ, एंट सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू शो करा देता हूँ सी की। ऐसे भी हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, कोई बड़ी कहानी नहीं है। अब इसके आर्गुमेंट्स मैं कोई और इसको एक दफ़ा जो है ना वो कराना चाहता हूँ, रन कराना चाहता हूँ कंट्रोल सी। मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा, देखिए जितनी दफ़ा मैं करूँ यहाँ पर कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं 20 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 60 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 70 कर देता हूँ, बैक सिलेक्शन भी लगा देते हैं। जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो है ना एक्चुअल फंक्शन बार बार जो है ना वो परफॉर्म नहीं करना पड़ रहा, मैं जस्ट उसकी वैल्यू लिखता हूँ, उसके आर्गुमेंट्स चेंज करता हूँ और वो फंक्शन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है। अब ये तो मतलब कि हमने एक्चुअल आर्गुमेंट्स यहाँ पर दिए, इसको और तरह से भी कर सकते हैं हम। चलिए मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद कम्प्लेक्स बनाता हूँ, ठीक है। हम स्कैन एफ से कोई नंबर लेते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ पर मैं करता हूँ एंटर कर, पहले ऊपर दो वेरिएबल बना लेते हैं, एंड आई जे, और यहाँ पर एक नंबर की वैल्यू ले ली मैंने, ट्रस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ, एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर एंटर करते हैं, और यहाँ पर जे लगा देते हैं, साथ इसके हमने एंड भी लगाना है, एंड साइन भी लगा दिया मैंने, दो नंबर ले रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है ना, कि जैसे मैंने यहाँ पर एक रियल लिया था, तो यहाँ पर मुझे उनके जस्ट वेरिएबल्स देने पड़ेंगे जो मैंने ऊपर डिफाइन किए, आई और जे, देख सकते हैं आप। आई और जे की वैल्यू कहाँ जाएगी, एक्स और वाई में जाएगी, एक्स और वाई के ऊपर क्या ऑपरेशन हो रहा है, प्लस का, और ये सी में स्टोर हो रहा है। सी की वैल्यू के क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है, ए डबल डी आई टी आई ओ। इसको मैं रन करता हूँ, देखिए प्रोग्राम हमारा रन हो गया। पहला नंबर पूछ रहा है, मैं दो एंटर करता हूँ, तीन एंटर करता हूँ, और हमें आगे जवाब दे रहा है। वाइड फंक्शन विद आर्गुमेंट्स हमने पढ़ा है कि
वाइट फंक्शन मैंने लिखा और उसके आगे फंक्शन नेम लिखा और उसमें मैंने दो आर्गुमेंट्स पास करा रहा हूँ, ठीक है। और फिर इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल किया और उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, स्कैनर से मैंने नंबर लिए और यहाँ पर फंक्शन को कॉल की। बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक दो दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपसे हो जाएगा इजीली। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो ये फेसबुक के ऊपर जब मैं ये वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसके नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।